नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर वीडियो में। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट ICMR JRF 2023 के लिए आपकी वन मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑल्दो मैं इससे पहले जो है कुछ वीडियोज ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ और आप लोग जो है उन वीडियोज को देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए बात करने की कोशिश करें कि व्हाट शुड बी योर वन मंथ स्ट्रैटेजी। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि किस तरीके से जो है हम चीजों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर चर्चा करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न में स्ट्रीम ऑफ द टेस्ट, मतलब स्कीम क्या है आखिर टेस्ट होने की, तो देयर इज अ लाइक आपको पता है कि 2 घंटे आपको मिलते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है कुल मिला जुला के द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 आवर्स, 2 घंटे जो है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम बोला जाता है। एंड द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, पेपर जनरली जो है वो 2 सेक्शंस से बना होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो 2 सेक्शंस हम मेंशन करते हैं उनमें से 2 सेक्शंस में से एक सेक्शन जो होता है वो सेक्शन ए होता है, जो एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। एप्टीट्यूड का सेक्शन बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है जिसमें 2-3 कह सकते हैं कि अलग अलग फील्ड के जो है क्वेश्चन आते हैं। उन अलग अलग फील्ड्स में से एक है पहला तो साइंटिफिक फिनोमिना, मतलब जो एवरीडे लाइफ में जो साइंटिफिक फिनोमिना हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा जो है वो है जनरल नॉलेज साइंस, कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज साइंस का जो है वो क्वेश्चन आता है। इसके अलावा तीसरा जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं कॉमन स्टैटिस्टिक्स से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये 3 मेजर क्राइटेरिया हैं या 3 मेजर एरियाज हैं जिनसे मिलकर जो है आपके कहीं ना कहीं सेक्शन ए में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाने का जो एक मेजर क्राइटेरिया है वो एक साइंटिफिक फिनोमिना, जनरल नॉलेज और कॉमन स्टैटिस्टिक्स। ये 3 ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनको आपको तैयार करना, और स्टैटिस्टिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको स्टैटिस्टिक्स से देखने को मिलते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। मतलब स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है या इनको स्टडी करने के लिए आपके NPTEL यानी कि जो नेशनल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे IIT के एजुकेटर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो वीडियोज वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस वुड बी इन कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपल्सरी होते हैं और कैरी करते हैं 1 नंबर, ठीक है। आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप में यहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिलता है जैसे CSR में मिलता है। 50 के 50 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको यहाँ पे देखने की मिलती है सेक्शन ए के लिए 2 सेक्शंस में से। अब 50 क्वेश्चन इधर, इसके अलावा अगर हम मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 के ऊपर भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन 2 के ऊपर जब बात करेंगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न में लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज अ सब्जेक्ट, जो बी और सी होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के तौर पे बोला जाता है, लाइफ साइंस और दूसरा जो है वो है सोशल साइंस। बट ऑल दो हम लाइफ साइंस की बात करेंगे तो आपको लाइफ साइंस ही ऑप्ट करना है, सोशल साइंस ऑप्ट नहीं करना। द कैंडिडेट मे अटेम्प्ट क्वेश्चन इन आइदर ऑफ द 2 एरियाज, किसी में से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जनरली बी और सी जो है वो लगभग आपके पास कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन, और 100 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 75, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है कि आप 100 में से जो है 75 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कहानी है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब करीब आपके पास 2 सेक्शंस है। एक है सेक्शन ए जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आता है, क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, और सेक्शन बी जो है वो आपका लाइफ साइंस जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आते हैं और करने 75 है। टोटल अगर देखा जाए तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 125 क्वेश्चन करने हैं, और 125 क्वेश्चन जो आपको टोटल करने हैं, 125 क्वेश्चन कितने ड्यूरेशन में, 120 मिनट में, 2 घंटे में। यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है, और जनरली क्वेश्चन का लेवल भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको बहुत ज्यादा जो है मिनट्स नहीं चाहिए, या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप जो है तैयारी उसी हिसाब से करें जैसा कि ICMR का क्वेश्चन पेपर है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा जो है वो क्वेश्चन आता है। कहीं ना कहीं जो है आपके हर क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करते हैं, और नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 का देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन जो कैरी कर रहा होता है वो कैरी कर रहा होता है दैट एक 1 मार्क का, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का जो है कैरी करता है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है आपके 0.25 की होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो देखने को मिलती है वो 0.25 की देखने को मिलती है। यानी लगभग लगभग जो कट ऑफ भी जाता है वो 60-70% जाता है।
60-70% मतलब 120-125 नंबर का पेपर होता है, उसका अगर आप देखोगे तो 12×72 यानी लगभग लगभग जो है 70-80 मार्क्स तो जाएगा जाएगा जनरल के लिए, मैं अगर सेंस करूं इतना चला जाता, क्योंकि क्वेश्चन इतने इजी होते ना, आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते, जैसे SSC का एग्जाम होता है तो ऐसे जो है आपको ऑप्ट करना होता है, तो वो ध्यान रख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको ऑप्ट करना। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ICMR का पेपर जो है वो होता कैसे, ठीक है। इसके अलावा जो है एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी योर सिलेबस। तो ये जो है कुछ चैप्टर वन के बेसिस में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे कुछ साइंटिफिक फिनोमिना में कौन कौन से चीजें आ सकती। आपके पास यहाँ पे हरिकेन है, रेन के बारे में, स्नो है, अर्थक्वेक, सुनामी, विंड, टॉर्नेडो, वोल्केनो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जो है आपके क्वेश्चंस आ सकता है। इन सब से जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है किस में, आपके एग्जाम्स में, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ जनरल नॉलेज से, जैसे न्यूक्लियर साइंस रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, न्यूक्लियर साइंस है, सिंथेटिक मटेरियल्स है, मेजरमेंट्स है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे इनको जो है ध्यान रखें। अगर इनसे बात किया जाए तो कुछ आपके चैप्टर 3 जिसको कि हम कॉमन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन बोलते हैं, उसमें से डिस्क्राइबिंग एंड डिस्प्लेइंग द डेटा, कैसे डेटा के बारे में, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, कोरिलेशन, इससे इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपेरिमेंटल और सैम्पलिंग है इससे होता है, प्रोबेबिलिटी है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कौन कौन से जो है टेस्ट है उनका क्या मतलब है, तो वो सब जो है काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, उन सब के क्या मतलब है और किस तरीके से उनके डेफिनेशंस एप्लीकेशंस, वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आता है नो डाउट, लेकिन उससे भी स्टेटमेंट वाइज के हर स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशंस जो है वो कैसे होते। तो ये कुछ एप्टीट्यूड का सिलेबस है जो ए सेक्शन में आएगा, जिसके लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50, और इस 50 में से कम आपको कम आप टारगेट 25 का रखना पड़ेगा, तब जाके जो है आप क्वालिफाई करने की कैटेगरी में जो है रहेंगे, नहीं तो फिर पता लगा कि बच्चे जो है आगे निकल गए आपसे। लाइफ साइंस का सिलेबस कुछ अगर मैं बोलूं तो ये कुछ बेसिक सिलेबस को मेंशन किया जाता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, पब्लिक हेल्थ, वेटनरी साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं। याद रहे कि ICMR का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन की पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, बेसिक्स तो होते हैं, इसमें इवन साइंटिस्ट भी पूछे जाते हैं, डिस्कवरीज भी पूछी जाती है, और की पॉइंट्स जैसे DNA पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA में कौन से वो जो है बॉन्ड्स हैं, या क्या स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल से, बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं। तो जब भी आप पढ़ें इनमें तो की पॉइंट्स को देखते हुए पढ़ें, और अगर आपको आइडिया नहीं कि कितने डेप्थ तक पढ़ना चाहिए तो इंटरनेट पे बहुत PYQs अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके एक बार आइडिया ले लीजिए कि PYQs का जो है सिनारियो आपके पास क्या होना चाहिए। नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर क्वालिफाइंग द ICMR एग्जाम, वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहले तो आप एग्जाम एनालिसिस कर लो भाई मेरे, जैसा मैंने बोला मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो या तो आएगा या तो नहीं आएगा, एंड आंसर डायरेक्टली होगा, इफ यू नोज यू कैन आंसर, अदरवाइज सिंपली ये चीज होती है। सिलेबस काफी वास्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया बहुत बड़ा सिलेबस है, सो देयर इज नो नीड टू कवर अप इंटायर सिलेबस, इसलिए बहुत पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप नहीं करना, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जाओ और फाइंड आउट करो कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो थोड़े ज्यादा है। Attempt the questions only when you know the answers. Again वही है, तुक्काफिकेशन की जरूरत नहीं है, जब जानो तभी सॉल्व करो। यहाँ पे तुक्का करोगे तो हमेशा जो है आपको तकलीफ में अपने आप को पा सकते हैं, क्योंकि तुक्काफिकेशन से चीजें जो है गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो नो तुक्काफिकेशन, पहले एनालाइज कर लो एग्जाम का लेवल क्या है, अगर आपने एनालाइज कर रखा है तो ठीक ठाक, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा तो बता ही रखा हूं कि ओवरव्यू, की पॉइंट्स, टर्म्स, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस जो है वास्ट है, इसलिए आपको पूरा सिलेबस कवर अप करने की जरूरत नहीं है, एंड ऑन आप कभी अटेम्प्ट करो जब आपको आंसर जो है वो पता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखे रहेंगे। इसके अलावा जो है ट्राई टू कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, जितना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा। इफ अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा, ठीक है।
बेसिक तौर पे एग्जांपल के तौर पे इंस्टेड ऑफ कवरिंग 5 टॉपिक्स आप 3 टॉपिक्स कवर अप करो, बट मेक श्योर दैट दोज 3 टॉपिक्स आर स्टडीड थॉरली सो दैट दे कैन बी अटेंडेड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ आस्क्ड फ्रॉम से. मतलब आप रेदर देन ज्यादा कलेक्ट क्वालिटी के ऊपर बिलीव रखो, क्वांटिटी के ऊपर नहीं. क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ने की बजाय जो है बेहतर करो कि अच्छे से पढ़ो, की पॉइंट्स को पढ़ो और बार 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 क्या करो, उनको रिकॉल करो. ये एक स्ट्रेटजी है जो बार बार कहा जाता है आपको रिकॉल करनी चाहिए, ठीक है, ये आपको फॉलो कर लेनी है. इसके बाद अगर मैं बात करूं, सो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज द टॉपिक. अब यहां पे मैंने बोला कि आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते, और शॉर्ट नोट्स क्या पूरा लैंग्वेज लिखना है, नहीं, टर्म्स का. आप टर्म्स को जो है एक पेज पे, एक A4 शीट लो और वहां पे जो है 10-on-1 अप्रोच से 10 पेज पढ़ो और उसको एक पेज में जो है टर्म्स से लेके समराइज कर दो एंड उसको रिवाइज और रिकॉल करो. और रिकॉल करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि कैसे जो है रिकॉल करना है, ये चीज आपको करनी है. देन आफ्टर दैट आपको क्या फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है तभी तो चीजें जो है वो बनने वाली हैं. कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि टाइम एक ICMR के एग्जाम में टाइम का बड़ा रोल होता है. आपको पता है जैसा कि मैंने बोला क्या कि लगभग 125 क्वेश्चन करने होते हैं 120 मिनट में, और इसका मतलब क्या है कि आपको 1 question within 1 minute करना है. मतलब एक क्वेश्चन करना है और लगभग लगभग 1 minute में, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए और ये स्पीड आप मेंटेन करके चलेंगे अभी से, ठीक है, नहीं करके चलेंगे तो फिर तकलीफ हो सकती है. प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉडल पेपर्स एंड द टेस्ट पेपर्स. कहीं ना कहीं बहुत सारे मॉडल पेपर्स और टेस्ट पेपर्स को जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके लिए ई लर्नम आप लोग जानते होंगे, उसी यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, तो ई लर्नम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया है और मॉक टेस्ट लेके आया है. आप इससे जुड़ सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो है मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जो है इन्हांस कर सकते हैं. बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल पे या ई लर्नम की ऐप और वेबसाइट पे जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते. फिलहाल के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड तो आपको चाहिए ही चाहिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है. स्मार्ट अप्रोच के तौर पे क्या फॉलो कर सकते हैं, 125 क्वेश्चन इन 120 मिनट जैसा बोला गया. अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 57.6 सेकेंड्स, इवन 1 minute भी नहीं है फॉर ईच क्वेश्चन, नियरली 1 minute जैसा मैंने आपको बोला. एंड इसके बाद जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन होते भी 1 minute जैसे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आइदर यू नो और यू डोंट नो. कट ऑफ नियरली 60-70% जो है वो जाता है, जैसा कि आपको मैंने बताया, यानी लगभग आपको 70-75 क्वेश्चन करने हैं अपने आप को सही पोजिशन में लाने के लिए. 70-75 क्वेश्चन जो है बेहतर है कि आप निगेटिव ना करें, तब की बात कर रहे हैं. निगेटिव करेंगे तो आपको थोड़ा और क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कितने क्वेश्चन करें. टू गेट 75 करेक्शन यू नीड टू टारगेट एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस. अगर आपकी एफिशिएंसी लगभग लगभग 70-80% है तो लगभग 90 क्वेश्चन अपना गोल बना के चलो. 125 का गोल बनाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि गलतियां बहुत होंगी, टेंशन में जल्दी में और गलत करो. तो आप गोल बनाओ 90 क्वेश्चन का, ताकि जो है आसानी से 90 क्वेश्चन गोल बनाओगे, 90 करोगे, उसमें से अगर आपकी एफिशिएंसी लगभग 80% होगी ना लगभग, तो 9-8 72, यानी 72 क्वेश्चन सही होने के हैं और थोड़ा सा आपका बैलेंस चांस जो है वो बना रहेगा. तो आप अपने गोल के हिसाब से जो है कैसे करना है ये सोच सकते हो, ठीक है. इसके बाद जो है यू विल गेट 1 minute 30 seconds फॉर ईच क्वेश्चन. अगर आप 90 क्वेश्चन को गोल बनाते हैं तो 1.5 minute मिलेगा, जो कि एक एनफ टाइम है करने के लिए. नाउ द प्लान फॉर 1 month प्रिपरेशन. अब आपके पास जो है प्लान क्या होना चाहिए 1 month प्रिपरेशन के लिए. सो वॉट यू हैव टू डू दैट, क्या करना है कि आज अगर मैं बोलूं तो आज से लेके मान लो 1 महीना है, 1 महीने में 30 दिन, उसको मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है 3-3 कुछ यूनिट्स कुछ डेज वाइज डिवाइड किया. बायोकेमिस्ट्री 3 days, मोलिकुलर बायोलॉजी 3 days, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी 3 days, इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी, ये लगभग आपने देखा कुछ इतने डेज में डिवाइड कर लिया. ये डेज का मतलब क्या है, बायोकेमिस्ट्री के जो की कॉन्सेप्ट्स है, जो की टर्म्स है, की डेफिनेशंस है, उनको
पहले पढ़ो, 3 दिनों में कंप्लीट करो, उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसी हिसाब से आरडीटी माइक्रो सेल ह्यूमन बायोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी 2 दिन लो, इसके बाद जनरल साइंस के लिए 5 दिन लो, मतलब जो आपके जनरल स्टडीज वाले जो टॉपिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए 3 दिन लो, कुल मिला जुला के आप देखोगे तो लगभग लगभग आपका 30 दिन नजर आएगा, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से प्लान करोगे और फाइनली जो है कंप्लीट रिवीजन के लिए 4 डेज, मतलब ये पूरा पूरा शेड्यूल देखोगे तो 339 हो जाएगा, 312 4 7 12 4 16 हो जाएगा, 218 5 23 23 20 26 4 13, तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है आपके 30 डेज का। अगर अभी से भी प्लान करोगे और शेड्यूल को डिवाइड करोगे इस तरीके से कि कैसे कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मुझे शेड्यूल करना है, तो ये आपको दिया गया है, इस शेड्यूल से जो है देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने शेड्यूल को करो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि प्रैक्टिस विद द PYQs एंड मॉक टेस्ट डेली, प्रैक्टिस को जो है छोड़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करना है, छोड़ोगे तो गड़बड़ है, प्रैक्टिस क्या करना है डेली आपको करना है, ये बहुत ही जरूरी है, विद छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। नाउ इसके बाद जो है ये 1 मंथ का आपके पास प्रिपरेशन का जो शेड्यूल है, बेसिक जो है अप्रोच क्या है कि आप स्टडी करो, स्टडी के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद रिकॉल करो, रिकॉल के बाद इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट के बाद मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, क्या गलती हो रही है, फिर इंप्रूव करो, फिर स्टडी करो, फिर ये चीज साइकिल जो है वो ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। दिस शुड बी योर स्टडी साइकिल, स्टडी प्रैक्टिस रिकॉल इंप्लीमेंट आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इंप्रूव, ये साइकिल जब चलाओगे तो आपके लिए काफी बेहतर तरीके से जो है आपका काम करेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं जो पिछले साल या कह सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को देखते हुए, तो जैसे आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर मोल कॉन्सेप्ट म्यूटाजन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, इंटरनेशनल डेज इन द मेडिकल फील्ड वो कौन कौन सी इंटरनेशनल डेज है, WHO के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर एयर, नोबेल प्राइज जो मिला है अभी मेडिसिन में क्रिस्पर कैस में, ये सब ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप्स के जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अलावा जो है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है, इंस्ट्रूमेंटेशंस जो कि मेजर करने के लिए यूज होते हैं किसके लिए, इन्वायरमेंटल फिनोमिनास के लिए है, फिर उसके बाद सेफ एंड हार्मफुल गैसेस वो कौन कौन से, टाइप ऑफ इन्फेक्शंस की बात करें, शेप ऑफ द बैक्टीरिया एंड एग्जांपल्स हैं कौन कौन से, किस तरीके से मेटल्स कौन कौन से, उनके टाइप्स क्या होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में जैसे टी टेस्ट जेड टेस्ट है, पी वैल्यूज एनोवा है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, मीन मीडियन मोड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन स्कीवनेस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जिनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे अमीनो एसिड एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिग्रेडेशन, एंजाइम्स को फैक्टर को एंजाइम्स, ये बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वेक्टर्स प्रॉपर्टीज क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, देन आफ्टर दैट एग्रो बैक्टीरियम है, DNA ट्रांसफर टेक्निक्स हैं, देन आफ्टर DNA सिक्वेंसिंग है, एंड आपके पास जो है बेसिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, PCR एंड मॉडिफिकेशंस, ये कुछ RDT के टॉपिक्स थे। इसके अलावा जो है अगर मैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्यूरीन पिरिमिडिन DNA RNA टाइप्स ऑफ DNA रिप्लिकेशन एंजाइम्स एंड फंक्शंस एंड ट्रांसक्रिप्शन बेसिक्स बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंटीबायोटिक्स जीन रेगुलेशन इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। देन आफ्टर दैट सम टॉपिक्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्टेलाइजेशन एंड ग्रोथ से क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड उनके फंक्शंस क्या है, माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़े, एंटीबॉडीज के क्लासिफिकेशंस, एंटीजेनिसिटी इम्यूनोजेनिसिटी साइटोकाइंस उनके फंक्शंस रिलेटेड, एंड देन CD मार्कर्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, एंड देन आफ्टर दैट ऑटो इम्यून डिजीज एंड हाइपर सेंसिटिविटी, इन सब चीजों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल फंक्शंस है, मार्कर्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल्स है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड देन क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज के ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, एंड देन सिंड्रोम सेल साइकिल साइटोकाइनेसिस सेल सिग्नलिंग बेसिक्स है, एंड देन दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इवोल्यूशनरी एजेस पॉल्यूटेंट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज है, वैलेंसी ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिविटी उनकी हाफ लाइफ, और ID50 ED50 ड्रग इफेक्टिवनेस है, फार्माकोलॉजी है,
न्यूट्रिशन जो ह्यूमन के लिए रिक्वायर्ड है उनसे रिलेटेड है, एंड सम इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल डेटाबेसेज, डेटाबेस सबमिशन टूल्स है, बायोइनफॉर्मेटिक्स रिलेटेड अगर टॉपिक्स की बात करें, फाइलोजेनी हो गया, अलाइनमेंट टूल्स हो गए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसके बाद ब्रेन, ये ह्यूमन बायोलॉजी से मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ब्रेन ग्लैंड्स एंड फंक्शंस, रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हार्मोन एंड फंक्शंस एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस, ईसीजी वेव के बारे में कुछ इन्फो, पीक्यूआरएसटी क्या है और कौन कौन से डिजीज जो है वो एसोसिएटेड है लाइक डायबिटीज एंड ऑल। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग अलग यूनिट्स के साथ। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा जो है सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स, अब देखो ये रेफरेंस बुक्स जो है वो कहने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स यहाँ पे मेंशन है, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए, फिर वॉयट अवॉयट है, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी लोडिस है, कार्प है, वॉटसन है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रेस्कॉट है, हार्ले है, क्यूबे है, देन प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तेंजेजिंगर, एनिमल के लिए जो है टोर्टोरा है, जेनेटिक्स गार्डनर है। अब ये सब बुक्स के लिए परेशान हो जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो इतना पढ़ने की जरूरत जो है वो नहीं है। मतलब कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो क्या करोगे क्या, ठीक है, अब फिर इस वन मंथ की स्ट्रेटेजी में पढ़ोगे कहां से, सवाल ये आता ना कि हाउ। तो सोर्सेस के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखो पहली चीज तो जो मॉक टेस्ट है उसके लिए ई लर्नम आपको पता ही है, ये देख ही रहे है ना, तो ये जो है आपके सोर्सेस के लिए मॉक टेस्ट के लिए तो ये हो गया। इसके बाद जो बाकी स्टडीज के लिए एक बुक आती है मार्केट में पाथफाइंडर की, वो परचेस कर लो, बेसिक स्टडीज के लिए पाथफाइंडर कुछ यूनिट्स के लिए है, नॉट फॉर ऑल द यूनिट्स, जैसे बायोइनफॉर्मेटिक्स, फार्माकोलॉजी, इन सब के लिए आपको थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। एक बुक आती है मार्केट में टेस्ट बैंक ऑफ बायोलॉजी, कौन सी बुक आती है, टेस्ट बैंक ऑफ बायोलॉजी, इसका पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा। ये नहीं मिलता है तो आप जो है इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन खोज के आना, नहीं मिलेगा तब कमेंट करना, अगर तब भी जबरदस्ती करोगे तो मैं नहीं भेजूंगा। पहले एक बार सर्च करना गूगल पे टेस्ट बैंक ऑफ बायोलॉजी डॉट पीडीएफ करोगे, जहां जहां वो बुक अवेलेबल होगा वो आ जाएगा। और ये बुक जो मार्केट में टेस्ट बैंक ऑफ बायोलॉजी आती है इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये आईसीएमआर लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो होपफुली ये वन मंथ की स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और आप इसी तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जनाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।